ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। तुमने अचलगढ़ देखा है? नहीं बाबा, अधर देवी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तो कहा, अच्छा बच्ची ऐसा करो कि तुमको 3 दिन में सब घूम लेना है। तो ये हमारे जो ओम प्रकाश भाई ट्रांसपोर्ट में थे, ओम प्रकाश भाई तब दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, तो जून महीना में इनको छुट्टी मिल गई। तो कहा ये ओम प्रकाश बच्चा ले जाएगा, आपको घुमा के लाएगा। तो बाबा भी देखो, नहीं तो कहेंगे कुमार एक कुमारी को घुमाने जा रहा है। वो भी बाबा जानते हैं हर एक का कि कौन निर्मल है, कौन दिल का साफ है। तो ओम प्रकाश के साथ भेज दिया बाबा ने। तो कभी एक पहाड़ी पे, कभी दूसरी जगह, एक ही पैदल चलना होता था। दिलवाड़ा मंदिर गए तो पैदल, दूसरे दिन अचलगढ़ गए तो पैदल, गुरु शिखर गए तो पैदल, और एक शिकारी पहाड़ी है, जंगल है हंटिंग वाले, वहाँ चढ़े तो पैदल। तो कहने का मतलब, उन्होंने हमें, ओम प्रकाश भाई ने सब एक ही बार में दिखा दिया। उसके बाद में हम पहले दिन जब गए थे तो वहाँ पहाड़ों पे चेरी थी, जिसको बड़े करौंदे कहते हैं, बहुत मीठे। तो पत्तल लिया, दोना बनाया, उन्हीं कांटों से दोना बना करके तोड़ तोड़ के ले आए। तो जब हम बाबा के पास आए, शाम को मिले, तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या क्या देखा तुमने? तो बता देते थे बाबा ये देखा। तो बाबा ने कहा, बच्ची तो तुम दिलवाड़ा मंदिर देखने गई, वहाँ गई तो कुछ भी नहीं ले आई, कुछ नहीं ले आई। मैंने कहा, बाबा वहाँ पे चेरी लाए थे तोड़ के पहाड़ों से, कहाँ लाओ? बाबा तो हम लोगों ने खा लिया। अब बाबा यहाँ से शिक्षक बन के शिक्षा दे रहे हैं। कहा, बच्ची ला कहता है कि जिसने तुमको घूमने के लिए भेजा, उसको पहले आके समाचार सुनाओ क्या क्या देख के आए, और जो कुछ ले आए तो बाप को दिखाना चाहिए। भले चेरी ले आई तो बाबा तो सारे विश्व की बादशाही बच्चों के आगे ओपन कर देता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी बच्चों को देंगे। और मेरे बच्चे ऐसे हैं जो चेरी ले आए वो भी नहीं दिखाया। तो फिर वहाँ से एकदम से दिल में छाप लग गई कि नहीं, ये बात सच है कि कहीं घूमने भेजा बाबा ने मुझे, तो लौट के आके मुझे समाचार सुनाना या जो कुछ लाए दिखाना। तो उस दिन से हमारे लाइफ के लिए ये पक्का पाठ हो गया, कभी नहीं भूला। कहीं भी रहे, किसी भी सेंटर में रहे, जो लाए दिखाना है। यहाँ तक कि चाहे मैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कहाँ भी गई हूँ, मार्केटिंग करके आई हूँ, वहाँ की बड़ी बहन जी को, तब तो दादियाँ होती थी, सब खोल के दिखाते थे कि देखो ये खरीद के लाए है। नहीं नहीं रखो रखो रखो, नहीं आप देखिए पहले। अगर वो नेपाल में भी राज बहन को दिखाया, जब खरीदारी करके आए, नेपाल वाली बहन ने कहा, क्या देखना, रखो ना। हमने कहा, नहीं मेरा दिखाने का दो मतलब है कि पहले तो देखो हम चीज़ ठीक लाए हैं, दूसरा ये देखो कि हम ठग के तो नहीं आए, ठगा करके अपने को, क्योंकि हर एक का होता है। हालांकि एक बहन उन्होंने हमको दी थी साथ में। तो हम कहीं भी कोई बात, तब से वो जो ना बताने की ना छिपाने की, तो ख़त्म हो गई लाइफ से। तो बाबा की ये पहली सीख मिली।